ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की और सम्मान की बात है कि हम अपने परिश्रमी शिक्षकों की पहल और उनके प्रयास के माध्यम से इतने बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी की पहुंच की कल्पना कर सकते हैं। हमने हमेशा प्रयास किया है, हमारे निजी दस्तावेजों ने हमेशा शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए, जैसे कि ई सामग्री का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण तथा शिक्षकों के सतत विकास, दिव्यांग, वंचित समूहों और दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले छात्र और छात्राओं की शिक्षा और ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की योजना, प्रशासन और प्रबंधन, यह सारे प्रयास जो है इसके कारण शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांति आई। इसका उद्देश्य स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना और शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाना है। स्कूली शिक्षा में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आईसीटी एट स्कूल योजना शुरू की। यह योजना भारत के स्कूलों में शिक्षार्थियों को आईसीटी कौशल को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करती है। यह योजना एक सिर्फ अकेली योजना नहीं बल्कि शिक्षा के विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्र में आईसीटी के विषम प्रसार को पाटने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संगठनों के पारस्परिक प्रयास से सक्रिय रूप से भागीदारी करती है। समग्र शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के तहत आईसीटी घटक के कार्यान्वयन के भाग के रूप में आईसीटी के बुनियादी ढांचे को और सशक्त करना यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आईसीटी पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को आईसीटी के राजदूतों के रूप में कार्य करने के लिए भी एक जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वे कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए अन्य शिक्षकों को सलाह दे सके और छात्रों के बीच उद्यमशीलता कौशल विकसित करें। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही कि इस वर्ष 43 शिक्षकों जिन्होंने शिक्षण अधिगम में आईसीटी को एकीकृत किया है। सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी शिक्षकों को आईसीटी का उपयोग करने और अपने शिक्षार्थियों को सीखने के परिणामों को बढ़ावा देने के लिए अपनी कक्षाओं में आईसीटी की पहल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।